आपके अपने चैनल फोक्सी फ्री फेवरेट फार्मिंग में और ले गया हूँ किसान भाइयों के लिए कमाल की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुबोटा MU4501 के बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कुबोटा के ट्रैक्टर के ऊपर वीडियो बनाएं। इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे इसकी दम ताकत के बारे में और ये जो रोटावेटर है इसको भी ये कैसा खींचता है। सबसे पहले किसान भाई से पूछते हैं इन्होंने कुबोटा ट्रैक्टर ही क्यों लिया, इनके बारे में और कितना टाइम हो गया इस ट्रैक्टर को इन्हें खरीदे हुए पुराने के। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कुबोटा के बारे में सारा कुछ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना नाम और पता बताइए। नाम है मिंटू, गांव बसेड़ा, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा मिंटू जी, कितने साल हो गए आपको, कब लाए थे ट्रैक्टर? हम 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। कहाँ से लेके आए थे? हरियाणा से। अच्छा, नया लेके आए थे? चलता हुआ। कितना चलता हुआ लाए थे? ये 900 घंटे चला हुआ। 900 घंटे चला हुआ था। कितने का लाए थे ये? हम 5 लाख का। अच्छा, अब हमें ये बताइए किसानों को क्या कहना चाहेंगे, इस ट्रैक्टर की खास बात क्या है और यही क्यों लाए? ट्रैक्टर तो और भी बहुत है। हमने जॉन डियर रखा था इससे पहले, उसे बेच के ही लाए हम। जॉन डियर में आपको क्या खराबी लगी? जॉन डियर का डीजल औसत और इसके औसत में दुगना अंतर है। अच्छा, आप ये कौन सी रोटरी चला रहे हैं, इसमें कौन सी कंपनी की है? ये उसकी है बाबा की। कितने फुट की है? 7 फुट की। बढ़िया खींच रहा है? बढ़िया। 60 ब्लेड की है। 60 ब्लेड की है। हाँ। अच्छा, एक खास बात बताओ इस ट्रैक्टर की। हाँ, एक खास बात बताओ। सबसे खास बात तो ये है डीजल सबसे कम ले। कितना ले? मैंने महिंद्रा जॉन डियर पावर ट्रैक सारे चला लिए जी। सब 9-10-11 सर कम नहीं चलता रूटर पे। अच्छा, पहले गेयर में अगर पूरा छोड़ कर चला। अच्छा, यो 600 ऊपर नहीं चढ़ता। अच्छा, टैग दिखावेंगे अब। अच्छा, अब देखना। अच्छा, पूरा फुल छोटा हुआ दिखावेंगे। अच्छा, अभी आप हमें चला के दिखाओ, कौन से लो में? लो के पहले में चला? पहले के लो में। अच्छा, पहले के लो में चलाओगे। हाँ। कितने आरपीएम पे चलाएंगे? 2000 आरपीएम पे। हाँ। चलिए सर हमें इसका चला के दिखाया। चलो ये देखे दोस्तों पूरा खेत। ये देखिए दोस्तों पूरा तगड़ा खेत है और बढ़िया ये बांध कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और बिल्कुल भी ट्रैक्टर दब नहीं रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। कुबोटा, जहां तक हमें इन किसान भाई ने बताया, इस ट्रैक्टर को ये इसलिए ले गए जो इसकी फ्यूल कंजप्शन है, तेल खाने की मात्रा है वो बहुत कम है। देखिए बिल्कुल ऐसा चल रहा है, बिल्कुल जैसे मक्खन जैसा, मलाई जैसा, बिल्कुल भी लोड नहीं मान रही है रोटरी इस पर। दमदार ट्रैक्टर कुबोटा का। और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें अगर आप ऐसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमें बताएं, हम आपके लिए ये वीडियो बनाएंगे, ठीक है? और कौन से ट्रैक्टर की आप दम देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन लीवर पूरे डाउन है इसके। आप ये बताइए, आप अपने पर्सनल यूज के लिए लाते हैं कि मतलब इससे बिजनेस करते हैं? हम एक ट्रैक्टर ले आऊं और बेच लें। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। इतना अच्छा। चल रहा अपनी खेती कर रहे। अच्छा, अच्छा। नहीं तो अपना बेच लें। अच्छा, तो आपकी ये पसंद है। हाँ। तो किसान भाइयों क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूंगा इतने रुपयों का महिंद्रा आवे, इतने का ही आवे। अच्छा अच्छा, इसे लेना चाहिए ना कि महिंद्रा। हाँ। अच्छा, मेंटेनेंस की अगर बात करें तो सर? भाई मैं तो गया नहीं, सर्विस भी नहीं करवाई 7 महीने से। मतलब मेंटेनेंस कुछ नहीं है अब तक? तो कोई दिक्कत आई नहीं, वाइब्रेशन कुछ नहीं है, यहाँ गिलास नहीं है, नहीं तो अभी धर का दिखा देता। अच्छा। यो फोन धर का चलम वाले। जी,
ये धर दिया और पूरी रेस चाबी से ही बंद होगा, चाबी से ही स्टार्ट हो जाएगा। मोटरसाइकिल की बैटरी से स्टार्ट हो जाएगा ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल की बैटरी से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा मिंटू जी हमें ये बताएं, अगर कुबोटा वाले इस वीडियो को देखेंगे तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कमी लगी आपको इस ट्रैक्टर में? कुछ कमी तो होगी, ऐसी बात नहीं, आप तो आपको बस चौथे गियर में जो भागते हुए एक हल्की सी आवाज है इसमें, चौथे गियर में जो भागता है तो जो सड़क पर पूरी रेस में भगाते हैं। अच्छा फुल वो है दिक्कत, और कुछ थोड़ी कमी लगी बस। अच्छा अच्छा, तो अगर कुबोटा वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई ये समस्या का समाधान करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।